प्रदेश की गोहाना विधानसभा सीट पर भाजपा के अरविंद शर्मा के उतरने के बाद लगातार विरोध के सुर सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत दूसरी तरफ गत दिन गोहाना के परशुराम चौक पर अरविंद शर्मा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अरविंद शर्मा ने कहा कि 36 बिरादरी के लोगों ने आज उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पार्टी द्वारा उनको टिकट दिए जाने के लिए धन्यवाद करने के लिए रखा गया है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने कहा कि अब की बार गोहाना में पहली बार कमल का फूल खिलेगा। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। इस बिरादरी के नौजवानों ने मिलकर के आज का ये कार्यक्रम किया है। भाई दिनेश अफसर के नेतृत्व में सारे चारों तरफ से पूरे हल्के से इसमें नौजवानों ने हिस्सा लिया है और ये जो प्रोग्राम है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति शीर्ष नेतृत्व के प्रति धन्यवाद करने के लिए प्रोग्राम है। लेकिन गोहाना की कमल का फूल जो है उसके लिए धन्यवाद है इन सभी साथियों का। और मैं सभी साथियों यहाँ सब ने इकट्ठा होकर के 36 बिरादरी ने आपस में मिठाइयां बांटी और जोश के साथ इस संकल्प के साथ अब की बार बीजेपी सरकार में कमल का फूल खिलेगा। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भाई नायब श्रेणी मुख्यमंत्री बनेगी। सबका संकल्प कि सबको पूरे हरियाणा को इस बात का खास ख्याल है कि किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, खिलाड़ी हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, शहीदों के परिवार हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सबका अगर ध्यान रख सकती है तो भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा हरियाणा एकजुट होकर के आप देखें दिन पर दिन भारतीय जनता पार्टी का माहौल एक तरफा माहौल होता जा रहा है। लोगों ने संकल्प ले लिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो मैं सभी साथियों का इस मौके पर सभी नौजवान साथियों का आप लोगों ने समय ही नहीं लगाया, आप लोगों ने पूरी एनर्जी लगा करके पूरी ताकत लगा करके आज जो ये जो स्वागत समारोह रखा है, लड्डू बांटे हैं, आपने जो खुशी जाहिर की है एक जोश के साथ सभी नौजवानों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हंगा लगा करके पूरी मेहनत करके गोहाना में कमल का फूल खिलाना है। और मैं एक और नौजवान साथियों को वायदा करता हूँ कि गोहाने को जिला बनाने का काम भी हम और आप सब लोग करेंगे। मेरे लिए गोहाना की भूमि राजनीतिक जन्मस्थली है, मैंने शुरुआत भी यहाँ से करी। और भाई मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूँ सभी नौजवान साथियों का। किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इतने थोड़े समय।